आज हम अब तक का सबसे आसान, कम मेहनत, कम समय में 2 से 3 चीजों में तैयार होने वाला से 12 मिनट में बिना अंडे का केक इडली स्टैंड में बनाएंगे, वो भी बिना कोको पाउडर, बिना ऑयल बटर, बिना चीनी, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर का ही। फिर भी आप देखेंगे कि केक बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट, जालीदार बना है। इतना आसान है बनाना कि एक बार में हर कोई बना लेगा और आप अपने भाइयों के लिए भी इस रक्षाबंधन में बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिनी चॉकलेट केक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिना किसी झंझट परेशानी का टेस्टी चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रीहीट के लिए रखेंगे इडली स्टैंड को। तो आज हम सिर्फ 15 मिनट में इडली स्टैंड में केक बनाएंगे। तो केक का बैटर तो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप जिस बर्तन में आप ये केक बना रहे हैं उसे प्रीहीट के लिए रख दीजिए। तो बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ मैंने 1 कटोरी नमक लिया है, यानी कि 200 ग्राम, और बेक करने के बाद वापस स्टोर कर दें। आप इस नमक को बेक करने के बाद कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इडली स्टैंड में नहीं बनाना चाहते, कुकर, ओवन या केक टिन का इस्तेमाल करते हुए बनाइएगा। हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट के लिए रखते हैं। और अब हम बैटर बनाने से पहले इडली के सांचे को भी अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो आज हम इस चॉकलेट केक को बर्बन बिस्किट से बनाएंगे। तो एक बार में हम इडली के खाने में 12 पीस मिनी केक बनाएंगे, इसलिए 250 ग्राम बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। ये 150 ग्राम बिस्किट का पैकेट है, तो दूसरा पैकेट का बिस्किट मैं सिर्फ आधा ही लूंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने बर्बन बिस्किट लिया है, आप हैप्पी हैप्पी बिस्किट या अपनी चॉइस का कोई भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिस्किट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आपको ऊपर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, क्रीम भी है और चीनी भी है, और इस बिस्किट से चॉकलेट केक ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक पैकेट में 14 पीस बिस्किट है। मिक्सी के बड़े वाले जार में बिस्किट को तोड़ते हुए डालें। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो देखिए, पीस लिया है और बहुत ही अच्छे से पाउडर हो गया है। तो बिस्किट के क्रीम के साथ पीसा है, इसलिए आपको ऊपर से ऑयल, बटर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और अब हम बिस्किट के पाउडर को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो अगर आपके बिस्किट में छोटे टुकड़े रह गए हैं तो छन्नी रख के छान लीजिएगा। तो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से पीसा, इसलिए मैं नहीं छान रही हूँ। और अब हम बिस्किट के पाउडर में दूध डालेंगे। तो दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। दूध हमें ना गर्म लेना है और ना ही ठंडा। तो पहले थोड़ा दीजिए और इस तरीके से चम्मच से मिला लीजिए। तो बस यही ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो। तो एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, इसलिए वापस से हम थोड़ा दूध डालते हैं और मिला लेते हैं। कम चीज़ों में, कम मेहनत में फटाफट बनने वाला बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट केक रेसिपी है। एक बार मैं आपको बैटर दिखा देती हूँ। टोटल मैंने 200 ml यानी कि 3/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। और अब हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे 1 ग्रीन पैकेट इनो का। टीस्पून से नापे तो 1 छोटी चम्मच है। आप इनो के बदले 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा प्लस 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो इनो अच्छे से मिल जाए, इसलिए ऊपर 1 चम्मच दूध डाल दीजिए। पहले ऊपर मिला ले। और अब हम बहुत ही हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में चम्मच को चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो जितना आपको केक के बैटर को फेंटना होगा, इनो या सोडा डालने से पहले फेंटिएगा। अगर अभी कस के मिला दीजिएगा तो केक बहुत अच्छे से नहीं फूल पाएंगे। तो एक बार मैं आपको वापस से बैटर दिखा देती हूँ। बिना देर के बैटर को इडली के खाने में डालते हैं। तो बहुत आपको भर भर के नहीं डालना है। तो हम बहुत ज़्यादा बड़े मिनी केक नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे ही बनाएंगे। तो देखिए, बस आधा भरा है। अगर आपको पूरा ऊपर तक फुला फुला केक चाहिए तो 1 छोटी चम्मच बैटर और ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, फिल कर लिया है। जितना मात्रा हमने लिया था उतने में 2 खाने बच गए हैं। तो चलिए फटाफट बेक करने के लिए रखते हैं। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुका है। बिना देर किए फटाफट हम इडली स्टैंड को रखते हैं। तो एक के ऊपर एक चढ़ा के नहीं रखिएगा, इस तरीके से घुमा के रखें और तुरंत हम कवर कर देते हैं। तो इडली स्टैंड जो हमने डाला है वो भी गर्म हो जाए, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिए सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे 5 मिनट होगा दोस्तों, हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और 10 मिनट और पका लेंगे। तो अगर आप केक टिन का इस्तेमाल करते हुए कुकर या ओवन में बना रहे हैं तो 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो घड़ी देख के 12 मिनट हो चुका है। केक का बैटर हमने कम डाला था, इसलिए कम समय में तैयार हो गया है। हम चेक कर लेते हैं। तो
तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक फूल गए हैं। दोस्तों जब शुरू में केक बेक करने के लिए रखा था तो लो टू मीडियम फ्लेम रखा था, और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुआ ना तो फ्लेम को लो कर दिया। तो टूथपिक सेंटर पे डालेंगे और चेक करेंगे। देखिए पूरी तरीके से साफ है, बिल्कुल भी ओवर बेक नहीं कीजिएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे केक है इसलिए 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएंगे। काफी गर्म है, सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लें। तो आप नीचे के खाने को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फूल के आया है, और इस नमक को हम वापस से स्टोर कर लेंगे। तो अभी बहुत गर्म है, हम 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारा छोटू केक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम थोड़े से चॉकलेट को गार्निश के लिए मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपीस का मेल्ट चॉकलेट लिया है, इस तरीके से तोड़ के बाउल में डाल लीजिए। तो जब हम केक को बेक करने के लिए रख रहे थे तब भी आप दोस्तों ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते थे, और अब दूसरे बाउल में हम मेल्ट चॉकलेट को डाल देते हैं। तो चॉकलेट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा। एक छोटी चम्मच हम दोनों चॉकलेट पे दूध डाल देते हैं ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मेल्ट कर लिया है, और अब हम इस तरीके से कांटे से मिक्स कर लेते हैं। तो 25 सेकंड का सिर्फ टाइम लगा है। डबल बॉयलर से अगर आप मेल्ट कर रहे हैं ना तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऊपर वाला बाउल बिल्कुल भी गर्म पानी में टच नहीं हो। तो कांटे से हम इस तरीके से चॉकलेट को मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं। तो लिक्विड चॉकलेट को आपको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है, वरना वापस से जम जाएंगे। तो हल्के से केक ठंडे हो चुके हैं, चाकू से हम किनारों पे चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से बाहर आ गया है, और आप चाली भी देख सकते हैं, प्लेट में रख लेते हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए, इसका टेस्ट आपको चॉकलेट केक से भी बढ़िया लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम ऊपर वाले खाने के केक को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसानी से आ गया है, बैटर मैंने थोड़ा कम डाला था, पीछे से भी पके हुए हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम करने में भी आपको 12 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन केक को आप अगर स्टीम करके बनाइएगा तो वो इडली की तरह गीले गीले से बनेंगे, फिर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नमक डाल करके या फिर बालू डाल करके बेक करते हैं। सभी बहुत ही इजली निकल गए हैं, और देख के ही पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बने हैं, बहुत ही मॉइस्ट केक है। तो आप फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने 250 ग्राम बिस्किट लिया है, आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे केक की रेसिपी है जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। और अब हम थोड़ा सा चॉकलेट से सजावट करेंगे। तो मेल्टेड चॉकलेट को कांटे पे लीजिए और बस इस तरीके से हम रफली गिरा देते हैं। जब आप इसे फ्रिज में रखिएगा तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आप नहीं भी कर सकते हैं, ऊपर से हम व्हाइट चॉकलेट रफली जिगजैग कर देंगे, और ऊपर से हम शुगर बॉल स्प्रिंकल कर देते हैं। हो तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा सिल्वर बॉल्स 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए। तो डीप फ्रीजर में मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है, तब तक मैं आपको केक कितने सॉफ्ट बने हैं वो दिखा देती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ दब गया, रुई जितने सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हमने ऑयल बटर नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते कितना मॉइस्ट है, बिल्कुल ब्रेड जैसा टेक्सचर आया है। अपने आप शेप होल्ड कर लिया, एक बार बनाना तो बनता है, बहुत टेस्टी केक है। फ्रिज से निकाल लिया है तो आप जरूर बनाएं, परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। आपने देखा न चीनी डाला न ऑयल डाला, थोड़े से दूध में तैयार किया है। तो केक कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं मैंने दिखा दिया है, तो आपको फटाफट इसे भी तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए तो देखिए जैसे ही रखा है वैसे ही टूट गया है, और आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं। एक बार जरूर बनाएं। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अभी तक मेरे एफबी पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन वेबसाइट पे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो जरूर फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलूंगी ऐसा हंसी रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।